जैसे कि हमारा न्यू रैंक सीजन आने वाला है, तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि हम लोग को अगले सीजन में कौन सी गन के अंदर वेपन ग्लोरी पोस्ट करनी चाहिए, और जिस भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होने वाले थे मैं उसी गन का यूज करने वाला था। इस पोस्ट पे बहुत सारे कमेंट आए जिनमें से आप लोगों ने MP5, UMP, M249 जैसी बहुत सारी गन बोल दी, और एक भाई ने तो बोला आपकी AWM सीरीज ही मस्त। अब देखो 4 नवंबर 2023 ये वो तारीख है जिस दिन से मैं यूट्यूब पर रैंक पोस्ट कर रहा हूँ। मुझे बताते हुए शर्म तो आ रही है, लेकिन जब मैंने रैंक पोस्ट करनी शुरू करी थी मेरे को इतना ज्यादा डर लगता था कि मैं खाली एक ही घर के अंदर सर्वाइव करता रहता था। लेकिन अभी का तो आप लोग को मालूम है मैं गेम के अंदर रश करने से भी बिल्कुल भी नहीं डरता हूं। और उसके बाद मैं वेपन ग्लोरी पुश करना शुरू करता हूं, जहां पर सबसे पहले मैंने एडुलम की वेपन ग्लोरी पुश करनी शुरू करी थी। शुरू में मैं एडुलम को ढंग से यूज कर भी नहीं पाता था, लेकिन अभी आप लोग जानते हो कि मैं एडुलम को ढंग से यूज कर पाता हूं। और अपने गेम प्ले के अंदर इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने के बाद मैंने और गेम के अंदर वेपन ग्लोरी पुश करनी शुरू कर दी, जैसे कि एक्समेट मैंने उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मास्टर कर लिया। मैं हर गन के अंदर वेपन ग्लोरी पुश करता था, रीजन के अंदर जाता था, लेकिन रीजन में जाना एक बहाना था, बस मेरे को अपने गेम प्ले को अच्छा बनाना था। गेम की हार्डेस्ट गन जिसको चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है M79, जिसको भी मैं चलाना सीख गया, और हर गन की तरह इस गन के भी रीजन के अंदर मैं पहुंच गया था। लेकिन साथ के साथ इस गन से मैं बहुत ही बढ़िया क्लचेस भी निकालने लग गया था, इसलिए मैं सोच रहा था कि आप कोई ऐसी गन बोलो जिसे चलाना गेम के अंदर बहुत ज्यादा हार्ड होता हो, और अगर मैं उस गन को चलाना सीखूं तो फ्यूचर में वो गन मेरे काम आए। और आप लोग भी ना जाने कैसे मेरी मन की बात समझ गए। आप लोगों ने एक ऐसी गन को सबसे ज्यादा लाइक दिए जिस गन को गेम के अंदर चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर ई-स्पोर्ट प्लेयर इस गन का यूज करते हैं। और जिस गन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो गन कोई और गन नहीं, ये हमारी चार्ज बस्टर ही है। अब अगले सीजन हम लोग इस गन के अंदर वेपन ग्लोरी पुश तो करने वाले हैं, लेकिन इस गन को चलाना मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता है, तो इसलिए आज मैं लगातार 24 घंटे चार्ज बस्टर के अंदर वेपन ग्लोरी पुश करने वाला हूं, और देखते हैं लगातार 24 घंटे खेलने के बाद हम लोग कितनी ग्लोरी प्लस कर पाते हैं। अब ये मेरा पहला गेम है जहां पर मैं पहली बार चार्ज बस्टर का यूज करने वाला था। मैं वेंडिंग मशीन पे आता हूं जहां से मैं चार्ज बस्टर खरीद लेता हूं, और साथ में AWM भी ले लेता हूं। अब इसके बाद हम लोग क्लॉक टावर पे आ चुके थे जहां पर कुछ एनिमीज होते हैं, और एक एनिमी के ऊपर ड्रैकी का मार कर रहा होता है। अब वो एनिमी मेरे टीममेट को बहुत ही इजीली डाउन कर देता है, लेकिन जैसे मेरे सामने आता है पहले मैं AWM मारता हूं, फिर से चार्ज बस्टर से किल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन उस एनिमी को पहले बॉडी लगता है, फिर एकदम से हेडशॉट लग जाता है। अगर मैं आपको सच बताऊं ना, शुरू में चार्ज बस्टर को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके इस एनिमी को फिनिश करके मैं गाड़ी को लेकर अपने टीममेट को रिवाइव करने आ गया था। और चार्ज बस्टर को यूज करने के लिए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था ना कि मैं तो यही भूल जाता हूँ मेरे पास रिवाइव करने के जितने टोकन ही नहीं है। अब रिवाइव करने के लिए टोकन लेने जा ही रहा था, तभी मेरे को मालूम पड़ता है एक एनिमी रिवाइव करने आया। मैंने पहले उसे चार्ज बस्टर डैमेज दे दिया था, फिर एक गोली में मैं उस एनिमी को डाउन कर देता हूं, लेकिन उसका टीममेट मेरे ऊपर रश कर रहा था। पहले तो फटाफट से हील करता हूं, और हील करने के बाद यहां पर FGL का यूज करता हूं। मेरा किल क्लियर हो जाता है, यहां पर मेरे पास टोकन पूरे हो जाते हैं, तो मैं अपने टीममेट को रिवाइव कर देता हूं। टीममेट को रिवाइव कर ही रहा था, लेकिन इतने एक एनिमी और रश कर देता है, मैं चार्ज बस्टर को पूरा चार्ज करता हूं, और एक गोली के अंदर इस एनिमी को मैंने डाउन कर दिया था। फटाफट से फिनिश लेता हूं, इतने एक और एनिमी हमारे सामने आ जाता है। अब उस एनिमी को डैमेज देने की तो कोशिश करता हूं, लेकिन उसका पैन उसको बचा लेता है। अब वो बंदा ऊपर भाग गया था, और अपने को ऊपर से कवर भी कर लेता है। अब जो कि उस एनिमी ने अपने को पूरा कवर कर लिया था, और हम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, इसलिए मैं जोन के अंदर आ गया था, और जोन के अंदर एक एनिमी गाड़ी चला रहा था। मैंने उस एनिमी को डाउन कर दिया था, एंड उस एनिमी को बहुत ही इजीली फिनिश भी ले लिया था। अब इस एनिमी को फिनिश करने के बाद हम लोग जोन के अंदर आ गए थे। यहां पर कुछ एनिमीज आपस में फाइट कर रहे होते हैं, और ज्यादा हीरो बनने के लिए मैंने यहां पर पोर्टल का यूज करके उन एनिमीज के ऊपर रश कर दिया था, लेकिन यहां पर वो एनिमी मेरे को मुंह दिखाते नहीं, और यहां पर मैं उन एनिमीज को डैमेज दे भी नहीं पाता। और एक एनिमी जोन के अंदर और भाग गया था, तो मैं फटाफट से उसका पीछा कर रहा होता हूं। अब इस एनिमी का पीछा करते करते मैं इस एनिमी के बहुत ज्यादा क्लोज में आ गया था, और ये एनिमी हील कर ही रहा था, लेकिन ये एनिमी वोकंग बन गया था। पहले तो मैं इसको एक गोली मारता हूं, दो गोली मारता हूं, उसको जैसे करके तो डाउन कर दिया था, लेकिन यहां पर वो एनिमी डाउन तो होता ही है, उल्टा मेरे को भी डाउन कर देता है, और हमारे टीममेट फिनिश हो जाते हैं, तो हम लोग इस गेम के अंदर तो मर जाते हैं। वैसे चार्ज बस्टर के साथ ये मेरा पहला गेम था, और मैंने सोचा नहीं था कि चार्ज बस्टर को मैं इतने अच्छी तरीके से यूज कर पाऊंगा। हां मतलब मैं सही तरीके से यूज तो कर पाता, लेकिन मैं मूवमेंट ढंग से नहीं कर पाता, इसलिए मैं फटाफट से ट्रेनिंग के अंदर आ गया था ताकि मैं ढंग से इसको यूज करना सीख जाऊं। अब मैं बहुत देर तक ट्रेनिंग करता हूं, ट्रेनिंग के अंदर तो एनिमीज को मारना बहुत ज्यादा इजी था भाई, एनिमीज को हेडशॉट मार जा रहा था। जैसे कि यहां पर देखो मेरे सामने एक एनिमी होता है, पहले मैं उस एनिमी को बॉडी शॉट मारता हूं, टॉक्सिक का यूज करके मैंने उस एनिमी को हेडशॉट से फिनिश कर दिया था। अब जैसे मैं थोड़ा पीछे की साइड आया था, यहां पर कुछ एनिमीज और फाइट कर होते हैं, मैं एक एनिमी को तो बॉडी शॉट मारता हूं, फिर फटाफट से रश करके उस एनिमी को बॉडी शॉट से फिनिश भी कर देता हूं, लेकिन एक एनिमी होता है जो कि मेरे को मार देता है। अब यहीं पे देखो मैं थोड़ा आगे आता हूँ, यहाँ पर कुछ एनिमीज फाइट कर रहा था, पहले एक एनिमी को डैमेज दिया था, फिर एक एनिमी रस कर रहा था, उस एनिमी को तो फटाफट से फिनिश ही कर दिया था, फिर एक एनिमी और रस कर रहा था, पहले एक बॉडी एंड फिर उस एनिमी को मैंने हेडशॉट से डाउन कर दिया था। वैसे मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, गेम का हर एक बंदा जानता है कि ट्रेनिंग के अंदर गेम प्ले बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन रैंक मैच के अंदर आके गेम प्ले बिल्कुल बेकार हो जाता है। और अब बस मेरे को रैंक मैच के अंदर यही देखना था क्या ये हमारी ट्रेनिंग कुछ काम आई या फिर बस मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। इसलिए फटाफट से हम लोग एक रैंक मैच के अंदर आ गए थे जहां पे हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं, हमारे सामने एक डुओ होती है, वो भी गाड़ी चला
जल्दबाजी होती है। हम लोग उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, वो लोग गाड़ी रोकते नहीं तो हम लोग उनकी गाड़ी चलाते हैं। पहले मैंने एक एनिमी को डैमेज देता, फिर दूसरी गोली मारता हूँ और वो दूसरे एनिमी को लग जाती है। लेकिन एक एनिमी को मैं डाउन तो कर देता हूँ, लेकिन एक एनिमी एक ही गोली की थी वो मेरे को डाउन कर देती है। बट यहाँ पर हमारे टीममेट उस एनिमी को फिनिश कर देते, जो कि मेरे पास होरिज़न था तो होरिज़न की मदद से मैं बहुत ही इजिली रिवाइव भी हो जाता हूँ। वैसे यहाँ पर आप लोग बदलाव दे सकते हो, यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी गलती नहीं करी, बहुत ही स्मार्टली मैंने दोनों एनिमीज को डैमेज तो दिया था, लेकिन दोनों एनिमी मेरे पर चढ़ गए तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। और अभी तक मैं बहुत सारे गेम खेल चुका था और चार्ज बस्टर का बहुत ही अच्छी तरीके से यूज भी कर चुका था। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वेपन मास्टरी का हम लोग को पहला रिवॉर्ड मिल चुका है। इसके बाद मैं सोलो गेम खेलना शुरू करता हूँ, जहाँ पर मेरे सामने एक एनिमी होता है। पहले तो मैं उस एनिमी की स्किल ब्लॉक करता हूँ एंड फटाफट से उस एनिमी के ऊपर रश करता हूँ। मौकों की वजह से उस एनिमी की लोकेशन मेरे को बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रही थी। पहले मैं उस एनिमी को एक गोली मारता हूँ, लेकिन वह एनिमी नीचे जाके ग्लोअर लगा लेता और भागना शुरू कर देता है, लेकिन मैं भी उस एनिमी के पीछे पीछे आ चुका था। अब यह एनिमी अंदर ही छुपा हुआ था। मैं चार्ज बस्टर को पूरा चार्ज करके मारता हूँ, इस एनिमी का सोनी एक्टिवेट हो जाता है एंड यह एनिमी फिनिश हो जाता है। अब मैं गाड़ी को लेकर जोन के अंदर आ चुका था एंड एक एनिमी ऊपर चढ़ा हुआ होता है। उस एनिमी को मैं चार्ज बस्टर से मारने की सोच तो रहा था, लेकिन इतने ही एक एनिमी उसे डैमेज देना शुरू कर देता है। तो जो एनिमी डैमेज देने की कोशिश कर रहा था उस एनिमी को तो मैंने एक्समेट के हेडशॉट से फिनिश कर दिया था। अब जो एनिमी ऊपर चढ़ा हुआ था उस एनिमी के ऊपर फटाफट से रश करता हूँ, पहले तो उस एनिमी की सारी ग्लोअल फोड़ता हूँ एंड जैसे एनिमी मेरे सामने आता है मैंने चार्ज बस्टर को पूरा चार्ज करके इस एनिमी को फिनिश कर दिया था। जिसके बाद हमारे अलावा केवल आखिरी के दो ही एनिमी बचे थे और मैं एनिमीज को ढूंढ ही रहा था, तभी मेरे सामने एक एनिमी आ जाता है। पहले तो एक्समेट से थोड़ा बहुत डैमेज देने की कोशिश करी थी, लेकिन बिल्कुल भी डैमेज नहीं दे पाया। फिर तावसा का यूज करके इस एनिमी के शॉर्ट रेंज में जाता हूँ। चार्ज बस्टर को पहले एक गोली मारता हूँ, फिर दो गोली मारता हूँ, ये एनिमी डाउन हो जाता है और वापस से रिवाइव ना हो जाए इसलिए फटाफट से इस एनिमी को फिनिश भी कर देता हूँ। अब बस आखिरी का ही एक एनिमी बचा था और मेरे को डर लग रहा था आखिरी वाला एनिमी फैक्ट्री के ऊपर ना हो। मेरे पास क्लू की एबिलिटी भी होती है, मैं क्लू की एबिलिटी का यूज करता हूँ, लेकिन किसी भी एनिमी की लोकेशन दिखाई देती नहीं। फिर एकदम से मेरे को मालूम पड़ता है कि मेरे को कोई और एनिमी क्लू से स्कैन कर रहा है। तो मैं फटाफट से तावसा का यूज करके होमर परचेस करता हूँ, होमर का जैसे यूज करता हूँ मेरे को एनिमी की लोकेशन मालूम पड़ जाती है। अब आखिरी एनिमी ना जाने क्यों इन बक्सों के पीछे सर्वाइव कर रहा था। फटाफट से ग्लू वाला के इस एनिमी के पास बढ़ रहा होता हूँ, लेकिन ये एनिमी पीछे को भागना शुरू कर देता है। मैं भी ग्लू वाला के इस एनिमी के ऊपर रस करने वाला ही था कि ये एनिमी पर नेड को कर रही होती है। मैं फटाफट से इस एनिमी के ऊपर रस कर देता हूँ, पहले एक एमो पूरी चार्ज करके मारता हूँ जिससे बहुत सारा डैमेज पड़ जाता है। फिर तावसा का यूज करके इसको एक और गोली से डाउन करता हूँ, लेकिन इस एनिमी के पास इवो M10 थी, वो तो मैं बच गया। इस एनिमी को फटाफट से फिनिश करता हूँ। यहाँ पर 7 किल के साथ हमारा ये वाला गेम तो हो जाता है भूया और इस गेम के अंदर हम लोग को चार्ज बस्टर की पूरी ग्लोरी मिल गई थी। इतनी ट्रेनिंग करने के बाद अब मैं सोलो गेम्स के अंदर तो बहुत ही बढ़िया खेलने लग गया था, लेकिन अब मेरे सामने कैसी भी सिचुएशन हो मैं चार्ज बस्टर से किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लिया करता था। जैसे कि इस गेम के अंदर हम लोग गाड़ी को लेकर एनिमीज को ढूंढ रहे होते हैं, तभी हमको मालूम पड़ता है इस एलसेप के अंदर एनिमी है। हम लोग आगे चल के गाड़ी से उतरने वाले थे, लेकिन ये लोग हमारी गाड़ी को पूरा अच्छी तरीके से जला देते हैं और मेरा टीममेट यहाँ पर डाउन हो जाता है। मैं अपने टीममेट को रिवाइव करने तो जाता हूँ, लेकिन मेरे टीममेट के पास होरिज़न होता है, वो तो रिवाइव हो जाता है, लेकिन ना जाने कैसे ये वापस से डाउन हो जाता है। अब यहाँ पर मैं केवल अकेला बचा था, इसी चीज का फायदा उठा के एनिमी मेरे पर खुला रस करने लग जाते हैं। पहले एक एनिमी को डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उस एनिमी को डैमेज पड़ता नहीं है। फिर यहाँ पर पूरा चार्ज करके एक एनिमी को डैमेज देता हूँ, दूसरी गोली में वो एनिमी डाउन हो चुका था। फिर एक एनिमी को और डैमेज देता हूँ, यहाँ पर आखिरी वाले एनिमी से बचने के लिए फटाफट से तावसे का यूज कर थोड़ा पीछे आया था एंड चार्ज करके एक और गोली मारता हूँ, लेकिन वो भी इसको लगती नहीं, लेकिन इस बार मैंने इसको डाउन कर दिया था एंड फटाफट से इनको फिनिश करता हूँ। और यहाँ पर मैंने अकेले ने इनकी पूरी टीम को वाइप आउट कर दिया। अब ठीक ऐसे इसके अगले गेम के अंदर भी होने वाला था। यहाँ पर मैंने होमर का यूज कर रहा था ताकि मेरे को एनिमीज की लोकेशन मालूम पड़ सके। अब होमर एक एनिमी को लग जाता है, जैसे ही मैं जाके देखता हूँ यहाँ पर दो एनिमी होता है। मैं फटाफट से चार्ज बस्टर को चार्ज करना शुरू करता हूँ, मेरे सामने एक एनिमी आता है। पहले एक गोली एंड दूसरी गोली के अंदर इसका सोनी एक्टिवेट हो चुका, लेकिन ये एनिमी डाउन होने से पहले दिमित्री का यूज कर लेता और रिवाइव होना शुरू रहता है। मैं इस एनिमी को फिनिश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका टीममेट बीच में आता है। मैंने उस एनिमी को भी M40 से हेडशॉट से डाउन कर दिया था, लेकिन ये लोग दिमित्री से रिवाइव होने शुरू हो गए थे और टीममेट तो सबके एक जैसे होते ही है। मेरा टीममेट बिल्कुल बेरहमी से मेरे दोनों किल चुरा लेता है और इतने अच्छे खासे क्लच का पूरा सत्यानाश कर दिया। जैसे मैं ट्रेनिंग में खेल रहा था, अब मैं रैंक मैच के अंदर भी बिल्कुल सेम वैसा खेल पा रहा था। जैसे मेरे पे कोई रश करता उस एनिमी को मैं हेडशॉट से डाउन कर दिया करता था। तो अगर मेरे से कोई बच के भागने की कोशिश भी करे उस एनिमी को भी बहुत ही इजीली चार्ज बस्टर से हेडशॉट मार पा रहा था। अब जो कि मैं इतने कम समय के अंदर इतने बढ़िया क्लचेस निकाल पा रहा था, तो मेरे मन के अंदर एक सवाल आता है, क्या मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड के अंदर चार्ज बस्टर से बढ़िया बढ़िया क्लच निकाल पाता हूँ या फिर नहीं। इसलिए मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना शुरू कर देता हूँ, लेकिन अपनी सेकंड आईडी पे, ताकि मेरी रैंक माइनस ना हो। आप लोग देख सकते हो इस आईडी के अंदर लेवल कितने हैं और आप लोग रैंक भी देख सकते हो। अब एक गेम के अंदर क्या हुआ था कि मेरे पहले से 11 किल हो रखे थे और मेरे पास चार्ज बस्टर तो थी, लेकिन यहाँ पर मेरी एमओ फिनिश हो रखी थी और एमओ खरीदने के लिए मैं पर्पल वेंडिंग मशीन की तरफ जा ही रहा होता हूँ। तभी एक एनिमी मेरे को डैमेज देने की कोशिश करता है, लेकिन मैं ग्लोअर लगा लेता हूँ और बाल बाल बच जाता हूँ। जैसे एनिमी मेरे सामने आता है, पहले तो मैंने इस एनिमी को डैमेज देने की कोशिश करी थी, लेकिन इस एनिमी के हेडशॉट लगता नहीं है। तो मैं तब से का यूज करके इस एनिमी के पास में पहुंच जाता हूँ, फिर इस एनिमी को डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा बहुत डैमेज दिया था, उसका टीममेट मेरे सामने आता है, उस एनिमी को मैंने हेडशॉट मार दिया था, लेकिन वो सोनिया बन गया था एंड कुछ देर बाद डाउन भी हो जाता है। अब इनका एक टीममेट दूर भाग रहा था, उस एनिमी को डैमेज देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पे एम जा ही नहीं रहा था। तो मैं फटाफट से अपना किल कंफर्म कर लेता हूं और किल कंफर्म
खत्म करने के बाद एक एनिमी डैमेज देने की कोशिश तो करता है, लेकिन मेरे को 4% की एमओ चाहिए थी। मैं वेंडिंग मशीन था, एक एनिमी गाड़ी लेकर आता है, पहले ग्लूअर लाके उसकी गाड़ी को रोकता हूँ एंड उस एनिमी को मैंने हेडशॉट भी मार दिया था। इस एनिमी के पास सोनिया होता है, तो थोड़ी देर बाद यह एनिमी तो फिनिश हो जाता है और यहाँ पर मैं शॉटगन की एमओ भी परचेज कर लेता हूँ। जैसे ही एमओ परचेज करी थी, मेरे सामने एक एनिमी आ रहा होता है, उस एनिमी को हेडशॉट मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसको हेडशॉट लगता नहीं। तो फटाफट से मैंने चार्जर बूस्टर से एक गोली तो मारी थी एंड दूसरी गोली में इस एनिमी को डाउन कर दिया था। अब इनकी स्क्वाड का आखिरी एनिमी बचा हुआ था और उस एनिमी को फटाफट से एक गोली से हेडशॉट मार देता हूँ एंड यहाँ पे इनकी स्क्वाड तो टीम वाइप आउट हो गई थी। अब आप लोगों को लग रहा होगा इस साइड के अंदर खेलना तो कितना ज्यादा आसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोग ये देखो, अब मेरे ठीक सामने एक स्क्वाड थी और मेरे को तो चार्ज बूस्टर से किल करने थे, इसलिए मैं पोर्टल का यूज करके उनके पास में जाने की कोशिश करता हूँ और उनके पास में पहुंच भी गया। अब ये लोग तो मेरे को बिल्कुल अच्छी तरीके से खेल लेता है। पहले एक ग्लू लगाता हूँ, एक एनिमी को डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तो बच के भाग जाता है। एक एनिमी को मैंने हेडशॉट से डाउन भी कर देता, लेकिन ये लोग मिलकर मेरे को डाउन कर देते हैं और मैं इनका कुछ भी नहीं कर पाता। इस आईडी के अंदर रैंक पुश करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप लोग मेरी हिस्ट्री भी देख सकते हो, कितने बेकार बेकार गेम भी गए हुए हैं और यहाँ पर तो मेरी पूरी हिस्ट्री है भी नहीं। कुछ कुछ गेम के अंदर तो मैं उतर उतर के भी मरा था। जैसे कि इस गेम के अंदर देखो, मैं चार्ज बस्टर खरीदने के लिए यहाँ पर आया होता हूँ। जैसे मैं चार्ज बस्टर खरीदता हूँ, यहाँ पर यूएवी के अंदर मेरे पास में कुछ एनिमीज दिखा रहा होता है। पहले तो एक एनिमी की स्किल ब्लॉक करके फटाफट से उस एनिमी के ऊपर रश करता हूँ, लेकिन वो एनिमी मेरे सामने आने का नाम ले ही नहीं रहा था। बहुत देर हो चुकी थी, उसके सामने मैं चार्ज करके खड़ा था गन, लेकिन वो मेरे सामने आ ही नहीं रहा था और उसके टीममेट मेरे ऊपर रश करना और शुरू कर देते। पहले तो एक एनिमी कोने से रोटेशन ले रहा था, उस एनिमी को मैंने फटाफट से हेडशॉट से डाउन कर दिया था। वो एनिमी जिसने अपने को पूरा कवर कर रखा था, वो अपनी ग्लूवल फोड़ रहा था, तो मैं फटाफट से उसकी ग्लूवल हटाता हूँ, पहले एक गोली मारता हूँ एंड फिर टॉर्च का यूज करके दूर चला गया था एंड उस एनिमी को मैंने डाउन कर दिया था। और थोड़ा ढूंढने के बाद इनका आखिरी एनिमी मेरे को दिख जाता है, उस एनिमी को मैंने वन टाइम मार दिया था और यहाँ पर इनकी पूरी स्क्वाड वाइप आउट हो जाती है। अब इनको फिनिश करने के बाद मैं एक एनिमी के ऊपर रश करता हूँ, उस एनिमी को डैमेज देने की कोशिश कर ही रहा होता हूँ, लेकिन इनकी पूरी स्क्वाड मिलकर मेरे को बहुत ही इजीली फिनिश कर देते हैं। और एक गेम के अंदर तो क्या हुआ, मैं चार्ज बस्टर खरीदने के लिए पर्पल वेंडिंग मशीन पे गया ही था। यहाँ पर पहले से एनिमीज रहते हैं, पहले मैंने एक एनिमी को डैमेज देने की कोशिश करी थी, लेकिन वो तो बच जाता है एंड एक कोने में और एनिमी था, उस एनिमी को पहले एक बॉडी मारता हूँ एंड उस एनिमी को मैंने हेडशॉट मार दिया था, वो तो डाउन हो गया था, लेकिन ये एनिमी मेरे ऊपर रश करने लग जाती है। मैंने उसको लॉन्चर से डैमेज देने की कोशिश करी, लेकिन वो बच गई थी। मैं फटाफट से पीछे को भाग रहा होता हूँ, पहले एक लॉन्चर मारता हूँ, लेकिन किसी को भी डैमेज नहीं आता और ये दोनों एनिमीज मेरे बिल्कुल कुत्तों की तरह पीछे पड़ गए थे। और मैं भी अभी तक आप लोगों की तरह इन प्लेयर्स को नूब समझ रहा था, लेकिन ये लोग मेरे को इतनी गंदी तरीके से दौड़ा दौड़ा के मारते हैं कि मैं कुछ कर भी नहीं पाता और मैं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। अब इसी के अगले गेम के अंदर मेरे पास चार्ज बस्टर रहती है, मैं एनिमीज के ऊपर रश कर रहा हूँ, पहले तो स्किल ब्लॉक करता हूँ, मेरे सामने का एनिमी होता है उसको डैमेज दिया था एंड एक और एनिमी को एक गोली एंड दूसरी गोली के अंदर उस एनिमी को डाउन कर दिया था। अब जो कि दूसरा एनिमी भी डैमेज होता है, तो फटाफट से उस एनिमी के ऊपर मैं रश कर देता हूँ एंड यहाँ पर उस एनिमी को मैंने एक एमओ के अंदर डाउन कर दिया था। अब जैसे ही मैं इस एनिमी को फिनिश कर रहा होता हूँ, तो मेरा ध्यान जाता है कि नीचे से कुछ एनिमीज मेरी तरफ भाग के आ रहे हैं, यानी कि इसकी स्क्वाड मेरे ऊपर रस कर रही है। अब वो लोग तो ऊपर आ गए थे, तो मैं भी फटाफट से उन एनिमीज के ऊपर रस कर रहा हूँ, जो कि एक तो रिवाइव कर रहा था, उसको पहले एक गोली मारता हूँ एंड दूसरी गोली के अंदर ये एनिमी भी डाउन हो चुका था। अब इतने में एक और एनिमी मेरे सामने आ जाता है, जो कि ज़ॉम्बी सम रहता है और वो इनकी स्क्वाड का आखिरी एनिमी था। मैं फटाफट से उस एनिमी के ऊपर रस कर देता हूँ, एकदम से डैमेज दिया ही था। अब इस एनिमी से फाइट कर ही रहा होता हूँ कि ये एनिमी ऊपर से नीचे कूद जाता है, तो मैं भी इसके पीछे पीछे नीचे कूद जाता हूँ और इस एनिमी को एक ही गोली के अंदर डाउन कर देता हूँ, लेकिन तब मेरे को मालूम पड़ता है ये इनकी स्क्वाड का आखिरी एनिमी नहीं था, ये तो कोई और स्क्वाड से था। अब इतने में मेरे को किसी और एनिमी ने डैमेज देने की कोशिश करी थी और जब मैं उस एनिमी को ढूंढने जाता हूँ, तो वो एनिमी मेरे को मिलता नहीं है, वो बंदा मेरे से बच के भाग गया था। अब आगे चल के मेरे सामने बहुत सारी स्क्वाड होती है और मेरे को चार्ज बस्टर से किल करने थे, तो इसलिए फटाफट से मैं उन एनिमीज के बिल्कुल शॉर्ट रेंज के अंदर आ गया था। पहले तो एक एनिमी मेरे पर रश करता है, उस एनिमी को मैंने बहुत सारा डैमेज दिया था एंड उस एनिमी का सबसे इंटरनेट प्रॉब्लम था, तो मैं उस एनिमी को बहुत ही इजीली डाउन कर देता हूं। अभी इस एनिमी को फिनिश करके थोड़ा आगे आया था, यहां पर कुछ और एनिमीज भी आपस में फाइट कर रहे होते हैं, तो मैं फटाफट से उन एनिमीज के ऊपर रश कर देता हूं। पहले तो एक एनिमी को चार्ज करके किल कर देता और यहाँ पर एक और एनिमी होता है, उसको भी फटाफट से किल कर देता। इतने में यहाँ पर एक और स्क्वाड मेरे पास में आ जाती है। होता क्या है कि मैं थोड़ा आगे बढ़ ही रहा था, तभी किसी और एनिमी का मेरे को सेंटो नहीं दिखता है और जैसे मैं थोड़ा आगे देखता हूँ, तो यहाँ पर एनिमीज खड़े होते हैं। पहले एक एनिमी को चार्ज करके मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बार बार बच जाता है, लेकिन फाइनली पूरा चार्ज करके एक गोली मारता हूँ एंड वो एक ही गोली के अंदर डाउन हो जाता है। अब इसका एक और टीममेट यहाँ पर मेरे ऊपर रश करने की सोच ही रहा था, उस एनिमी को पूरा चार्ज करके मैंने डाउन कर दिया था एंड फटाफट से इनको फिनिश करके मैं जोन के लिए निकल जाता हूं। लेकिन जैसे मैं जोन के अंदर जा रहा था, मेरे को मालूम पड़ता है एक एनिमी सर्वाइव कर रहा, तो फटाफट से उस एनिमी को ऊपर रश करता हूं और उस एनिमी को बहुत ही इजीली मैंने चार्ज बस्टर से डाउन कर दिया था। अब इस एनिमी को फिनिश करके मालूम पड़ता है हमारे सामने वाले घर के अंदर भी एक एनिमी है, तो उसका वेट कर ही रहा होता हूं, तभी मेरे को एक एनिमी दूर से बहुत ज्यादा डैमेज देता है, मेरे को जोन का ही बहुत ज्यादा डैमेज पड़ रहा था, तो आखिर में जाके ये लोग मेरे को मिलकर मार देते हैं। इसके बाद हम लोग अगले गेम के अंदर आ गए थे, जहां पर पहले से मेरे 10 किल रहते हैं और मेरे सामने एक एनिमी रहता है। पहले मैंने एकदम से उसको एक गोली मार दी थी और चार्ज बस्टर से मैं उसको एक गोली मारता हूं, लेकिन उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। फिर एक और गोली मारता हूं, वो बंदा डाउन होता ही नहीं है। लेकिन इस बार
बार एक और गोली मारता हूँ, ये एनिमी डाउन हो चुका था एंड फटाफट से इस एनिमी को फिनिश करता हूँ। जैसे इस एनिमी को मैंने फिनिश करा था, मैं एक और एनिमी के ऊपर रश करता हूँ, ये एनिमी मेडिकेट भर रहा होता है, इस एनिमी को मैंने एक गोली के अंदर डाउन कर दिया था एंड फटाफट से फिनिश भी ले लिया था। इसी के बाद एक एनिमी मेरा डैमेज रहता तो फटाफट से गाड़ी लेके उसके ऊपर रश करता हूँ, वो मेडिकेट भर ही रहा था लेकिन वो ओरियन बन जाता है और यहाँ पे मैं चार्ज करके उसको एक गोली मारता हूँ एंड वो एक गोली के अंदर ही डाउन हो जाता है। थोड़ा आगे बढ़ी रहा था मेरे सामने एक एनिमी होता है, उसको एकदम से पहले एक गोली मारता हूँ, फटाफट से ताशे का यूज करके उसको चार्ज बस्टर से मैंने डाउन कर दिया था। लेकिन इतने में उसका टीममेट मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज देने की कोशिश कर रहा था, तो पहले उसको एक गोली मारता हूँ एंड फिर दूसरी गोली मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यहाँ पर लगती नहीं है। इतने में इसका एक और टीममेट मेरे सामने आता है, उसको मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया था एंड अपने इस वाले एनिमी को तो मैंने हेडशॉट डाउन कर दिया था। अब जो एनिमी अंदर बच के भाग गया था वो एनिमी तो रिवाइव करने लग गया था, उस एनिमी को मैंने एक गोली तो मारी थी लेकिन वो अपने को कवर कर लेता है, तो उस एनिमी को छोड़ के मैं जोन के अंदर आ गया था और अपने किल कंफर्म कर ही रहा हूँ। एक एनिमी गाड़ी लेके आता है, मेरे को गाड़ी जोड़ा देता है। उसके बाद एक एनिमी जोन के बाहर एलिमिनेट हो रहा था, तो फटाफट से उस एनिमी को फिनिश कर रहा हूँ। इतने वो एनिमी हमारे ऊपर रश कर रहा था जिसने मेरे को बाइक से ठोका था। पहले तो इस एनिमी को चार्ज करके मैंने एक गोली मार दी थी एंड ये एनिमी वोकोंग बन जाता है। इस एनिमी को मैं एकदम से डैमेज देने की तो कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे को मालूम ही नहीं चल रहा था यहाँ पर वोकोंग कौन सा है और घास कौन सा। लेकिन थोड़ी देर बाद एनिमी गाड़ी को लेकर भागने की सोच रहा था, पहले एक गोली मारता हूँ एंड दूसरी गोली के अंदर इस एनिमी का काम तमाम हो जाता है। अब जैसे मैं जोन के अंदर आया था, हमारे अलावा केवल आखिरी के दो ही एनिमी बचे होते हैं, उनमें से एक एनिमी को तो मैं एकदम से एक गोली मारता हूँ और फटाफट से उसी एनिमी की तरफ बढ़ता हूँ। और जैसे एनिमी मेरे सामने आता है, इस एनिमी को मैंने चार्ज बस्टर से डाउन कर दिया था। अब इनकी स्क्वाड की खाली आखिरी लड़की बची थी जो कि बहुत ही बढ़िया खेल रही थी, यानी कि वो कवर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी और कवर फायर इतना बढ़िया दे रही थी क्या ही बोलो। लेकिन उस बेचारी के पास भी एक ही ग्लूवल होती है, मैं उसकी ग्लूवल फोड़ देता हूँ एंड उसको थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ एंड बाद में भी डैमेज देता हूँ, लेकिन वो दूर दूर भागने लग गई थी और हमारी फाइट बहुत देर तक चलती है। लेकिन आखिर में जाके मैं उस एनिमी को फिनिश कर देता हूँ और ये गेम हमारा 19 किल के साथ हो जाता है बोया। और इसी के साथ यहाँ पे हमारे पूरे 24 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपनी असली आईडी के अंदर इतना ज्यादा खेला भी नहीं था, फिर भी अगर आप लोग मेरी चार्ज बस्टर की ग्लोरी देखोगे तो बिल्कुल हैरान हो जाओगे। अब मैंने कितनी ग्लोरी बढ़ाई वो जानने से पहले प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 24 घंटे लगातार वेपन ग्लोरी पुश करना कोई आसान काम नहीं है, जैसा कि अभी के टाइम पे आप लोग देख सकते हो, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप 6 नंबर पर आ चुका हूं और उसी के साथ मैं दिल्ली के अंदर भी आने वाला हूं। अगर मैं एक गेम खेल लेता हूं तो मैं दिल्ली के लीडर बोर्ड के अंदर भी आ जाऊंगा। तो हां दैट्स इट गाइस, आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।